हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बिल वाइज डिटेल। बिल वाइज डिटेल क्या होता है और इसको टैली में कैसे मेंटेन करते हैं, उसी चीज़ पे ये टॉपिक है। वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा हार्ड भी है टैली में। तो पहले अपन जान लेते हैं बिल वाइज डिटेल क्या होता है और उसके बाद अपन जानेंगे कि इसको टैली में कैसे मेंटेन करते हैं, कौन कौन से फीचर को यस नो करते हैं, ठीक है। तो बिल वाइज डिटेल वो होता है कि अपन किसी पार्टी को माल सेल्स करते हैं या अपन किसी पार्टी से माल क्या है परचेज करते हैं, क्या है उधार में परचेज या सेल्स करते हैं, तो अपन क्या है उस पार्टी को बोलते हैं कि भाई तुम मुझे 30 दिन के अंदर इस माल का या इस जो भी हमने सेल किया उस चीज़ का पेमेंट कर देना। लेकिन वो पार्टी क्या है, वो 30 दिन की हमने छूट दी उसे और वो 30 दिन में क्या है वो हमें पेमेंट नहीं करती है, वो 35 दिन में 40 दिन में हमें पेमेंट करती है। तो 30 दिन की तो हमने छूट दी थी, जो ऊपर दिन हुए हैं, जो ओवर ड्यूज हुए हैं, मतलब जो भी 10 दिन 15 दिन जो भी ऊपर हुए हैं उन पे अपन क्या है इंटरेस्ट लेते हैं, मतलब ब्याज लेते हैं उनसे, सामने वाले पार्टी से ब्याज लेते हैं कि 10 दिनों का आप हमें ब्याज दी थी, हमने आपको क्या है 10 दिन की छूट दी थी या सॉरी 30 दिन की छूट दी और आपने पेमेंट किया है वो 40 दिन के अंदर किया है, तो हमें 10 दिन का ब्याज चाहिए, हम उनसे ब्याज लेते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ पे ये टॉपिक है, यही बिल वाइज डिटेल मेंटेन होता है, मतलब प्रत्येक बिल को अलग से मेंटेन करना, उनकी अलग अलग डिटेल रखना, जो भी परचेज सेल्स के बिल होते हैं उनकी अलग से डिटेल रखना, उन्हें अलग से मेंटेन करना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, टैली में आगे बढ़ते हैं। तो टैली में कंपनी क्रिएट मैंने कर रखी है, उसके बाद आपको जाना है F11 में। F11 में जाने के बाद आपको जाना है अकाउंटिंग फीचर में। अकाउंटिंग फीचर में आने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे, उनको यस करना है। पहला ऑप्शन है आपके यहाँ पे मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको भी आपको यस करना है। और नीचे जो दिया हुआ ऑप्शन थर्ड वाला यूज एडवांस पैरामीटर्स, इसको भी आपको यस करना है। इन तीनों ऑप्शन को यस करने के बाद आपको यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस करना है। क्या करना है, कंट्रोल ए प्रेस करके आपको गेट ऑफ टैली में आ जाना है। जैसे आप गेट ऑफ टैली में आ जाओगे उसके बाद आपको अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, अपना क्वेश्चन वापस देख लेते हैं। पास जनरल एंट्रीज विथ बिल वाइज डिटेल, कैलकुलेट इंटरेस्ट एंड क्लियर द बैलेंस ऑफ पार्टी फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पार्टी नेम है सुमित एंटरप्राइजेस, इसमें डेट दी हुई है कि 1/4/2021 1/5/2021 को सेल हमने माल बेचा है 5,000 का 15,000 का, और ये रिसिप्ट की डेट है, हमें वापस पैसे उनसे कब प्राप्त हो। नीचे दिया हुआ है क्रेडिट डेज 60 डेज की हम इनको छूट देंगे, इस पार्टी को अपन छूट देंगे, आप 60 दिन के अंदर हमें पेमेंट कर सकते हैं, अगर आपने 60 दिन के अंदर हमें पेमेंट नहीं किया तो हम आपसे ब्याज कैलकुलेट करेंगे, ब्याज इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, आपसे ब्याज लेंगे, जो भी ऊपर दिन होंगे वो भी 20% पर एन्यूम, मतलब 20% की दर से अपन ब्याज चार्ज करेंगे, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन है, इसको अपन टैली में कहते हैं। सबसे पहले आपको पार्टी का लेजर बनाना है, तो वो कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या यस नो करना है वो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जाना आपको अकाउंट्स इन्फो में, उसके बाद आपको जाना है लेजर्स में, लेजर्स के बाद आपको क्रिएट करना है सुमित एंटरप्राइजेस, और ये अंडर किसके जाएगा, अपन इस पार्टी को क्या है माल क्या है सेल कर रहे हैं, हमारे लिए क्या हुआ देनदार हुआ संडी डेबिटर्स। आपको चुनने के बाद यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिया रहेगा मेंटेन बिल वाइज बिल, इस ऑप्शन को आपको यस रखना है। यहाँ पे पूछ रहा है डिफॉल्ट क्रिएट क्रेडिट पीरियड्स, मतलब आप कितने दिन के लिए इसको, मतलब आप माल कितने दिन के लिए छूट दे रहे हो कि आप पैसे दे सकते हो, तो वो है क्रेडिट डेज 60 दिन। तो अपन यहाँ पे 60 लेके एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेज लिख के आ जाएगा 60 डेज। फिर आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिख रहा है एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। यस करके आप जैसे आगे जाओगे तो आपके सामने ये एक और ऑप्शन खुलेगा, इसमें आपको कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। फिर आपको इन तीनों ऑप्शन को नो ही रखना है और आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है रेट इंटरेस्ट की रेट क्या है, तो इंटरेस्ट की रेट है 20%, तो अपन डालेंगे 20%। यहाँ पे पूछ रहा है इंटरेस्ट स्टाइल, मतलब कैसे चार्ज करोगे, तो अपन कैलेंडर ईयर जैसे कैलेंडर चलेगा उस हिसाब से अपन इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है इंटरेस्ट बैलेंस, तो आपको ऑल बैलेंस रखना है। यहाँ पे पूछ रहा है एप्लीकेशन इंटरेस्ट एप्लीकेशन ऑल ऑलवेज, और यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब जो इनवॉइस की डेट है वहाँ से अपन जो डेट ऑफ इनवॉइस है बिल की, जो मतलब डेट है दिनांक है वहाँ से अपन क्या है वो इंटरेस्ट एप्लीकेशन मतलब चालू करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको राउंडिंग में नॉट एप्लीकेबल रखना है और फिर कंट्रोल ए प्रेस कर देना है। फिर यहाँ पे भी आपको कंट्रोल ए प्रेस कर देना है, ठीक है। ये हो गया पार्टी का लेजर क्रिएट हो गया, अपन और लेजर क्रिएट कर लेते हैं अपने को सेल्स का लेजर,
चाहिएगा तो अपन सेल्स का लेजर बना लेते हैं। सेल्स, सेल्स अकाउंट और कंट्रोल है, यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन यस नो नहीं करना पड़ेगा। एक अपन बना लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड का, इसकी भी अपने को जरूरत पड़ेगी तो अपन इनडायरेक्ट इनकम में इसको डाल देते हैं और कंट्रोल है प्रेस कर देते हैं। और कौन से लेजर है, बस यहाँ तीन ही लेजर है अपने को जो रिक्वायर्ड होंगे, जो जिनकी जरूरत पड़ेगी हमें। फिर अपन जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में किस लिए जाएंगे, अपन एंट्री करने के लिए 1/4/2021 को हमने माल सेल किया है 5,000 रुपये का सुमित को, ठीक है। तो अपन जाएंगे यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे। F8 प्रेस करने के बाद अपन यहाँ पे क्या है, अपने को एंट्री करनी है, लेकिन इसमें आइटम का नाम नहीं दिया हुआ है कि कौन सा आइटम अपन सुमित को सेल्स कर रहे हैं, तो बस सिर्फ पैसे दिए हुए हैं। तो ये क्या है, ये जो हम यहाँ पे जो एंट्री दी हुई है वो कौन सी एंट्री है, वाउचर एंट्री। और यहाँ पे क्या है, ये जो इस मोड को भी क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनवॉइस मोड। जो भी ये सेल्स का भी हमें मोड दिख रहा है इसको अपन बोलते हैं इनवॉइस मोड। और जो अगर आपको यहाँ पे भी वाउचर की एंट्री करनी है सेल्स के अंदर, तो अपन करेंगे यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे तो ये वाउचर मोड में ओपन हो जाएगा, और कंट्रोल वी वापस प्रेस करेंगे तो इनवॉइस मोड में चला जाएगा। तो अपने को यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करके एंट्री करनी है। यहाँ पे आपको डेट पहले देख लेनी है, 1 अप्रैल 2021 है, यहाँ पे भी डेट क्या है 1 अप्रैल 2021 है। उसके बाद रेफरेंस नंबर आप कुछ भी दे सकते हो। उसके बाद अपन जाएंगे यहाँ पे एंट्री करने के लिए, तो यहाँ पे DR पूछ रहा है, DR कौन है, सुमित एंटरप्राइजेस, सुमित एंटरप्राइजेस। यहाँ पे आपको कुछ भी यस नो नहीं करना है, आपको कंट्रोल ए प्रेस कर देना। फिर आपको पूछेगा अमाउंट, अमाउंट में आपको कितना, आप कितना माल सेल कर रहे हैं इसको, 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये अपन डालेंगे यहाँ पे। ये जो चीज़ है ये आपको बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, काम की चीज़ है, इसको आपको सीखना होगा, समझना होगा। इसमें क्या है, पहला नाम दिया हुआ है एडवांस। एडवांस का मतलब क्या है, अगर कोई पार्टी हमें एडवांस में पैसे देते हैं देती है तो हमें यहाँ पे एडवांस को चूज करना है। और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस, मतलब पहले से कोई ट्रांजेक्शन हुआ है अगर पार्टी के साथ तो अपन इस चीज़ को यूज करेंगे। और अगला है न्यू रेफरेंस, अगर नया बिल है तो अपन इस चीज़ को यूज करेंगे। और ऑन अकाउंट का मतलब है, अगर चालू में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, मतलब तुरंत पैसे ले रहे हैं, तुरंत दे रहे हैं, तो ऑन अकाउंट अपन रखेंगे। तो अभी ये क्या, नया बिल है, अपन क्या पार्टी को माल सेल्स कर रहे हैं, तो यहाँ अपन चूज करेंगे न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस बिल नंबर 1, 60 डेज हमने अंदर डाले थे, वो यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे 21 मई 2021 डेट दिखा रहा है कि 21 मई 2021 तक 60 दिन होते हैं, वहाँ तक आपको वापस पेमेंट कर देगी पार्टी, है ना। इतने दिन तक हमने उस पार्टी को छूट दिए। यहाँ पे आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पे क्रेडिट पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको सेल्स डालना है। यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, कि कोई आइटम है, तो आइटम कुछ नहीं है बिल में, कोई सॉरी क्वेश्चन में कोई आइटम नहीं दिया हुआ है, तो अपन यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये एंट्री होगी सुमित एंटरप्राइजेस, 5,000 रुपये, सेल्स अकाउंट 5,000 रुपये, उधार में अपन उसको माल सेल कर रहे हैं 5,000 रुपये का, वो अपन क्या एंट्री कर देंगे कंट्रोल ए, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री अपन देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री है 1/5/2021 को, तो अपन यहाँ पे डेट चेंज करेंगे 1/5/2021, 1 मई 2021, यहाँ पे रेफरेंस नंबर अपन डाल देंगे 102, फिर वापस सुमित एंटरप्राइजेस, यहाँ पे आप कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। फिर अगली एंट्री है 15,000 रुपये की, तो 15,000 रुपये अपन अमाउंट डालेंगे। यहाँ पे वापस यही सब चीज़ें पूछता है, तो ये भी क्या न्यू रेफरेंस है, नया बिल है, एक और अपन बिल बना रहे हैं, मतलब एक ये 1/4/2021 को हमने सेल किया था 5,000 रुपये, और एक ये अपन सेल कर रहे हैं 1/5/2021 को 15,000 रुपये का, तो ये भी न्यू रेफरेंस है अपन। ये बिल नंबर कितना है, 2 है, और 60 डेज हमने छूट दी हुई है उसको। और यहाँ पे ये बता रहा है कि 30 जून 2021 तक इसको पेमेंट करना पड़ेगा। ये जो सेकंड वाला बिल है इसका पेमेंट कितने दिन तक इनको छूट है, 30 जून 2021 तक वो इनको छूट है, वो पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, यहाँ पे सेल्स, वो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम कुछ है नहीं, तो अपन एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे 15,000 रुपये हैं, वो यहाँ पे एंट्री होगी, कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। ये 2 सेल्स की एंट्री थी, हमने वो कर दी, ठीक है। ऐसे सेल्स की एंट्री आपको करना है, अगर आइटम का नाम दिया रहता है तो आप कंट्रोल वी करके आप एंट्री कर सकते हो, अगर आइटम का नाम नहीं दिया रहता है तो आप वाउचर एंट्री के लिए कंट्रोल वी करके एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अब अपन चलते हैं, इसके बाद अपन क्या है, अपन देखेंगे कि ये वापस हमें जो है जो भी पार्टी है सुमित एंटरप्राइजेस, वो हमें वापस पेमेंट कब करी है, तो एक पेमेंट हमें 31 मई को मिल रहा है, एक है 31 जुलाई को, ये पेमेंट हमें कर रही है। तो पहले अपन पार्टी का देखेंगे, अपन यहाँ पे लेजर देखेंगे कि हमें ये मतलब इसके कितने दिन ऊपर होते हैं और उनका कितना जो है इंटरेस्ट वो होता है। तो उसके लिए अपन जाएंगे यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर अपन जाएंगे अकाउंट्स बुक के अंदर जाएंगे अपन लेजर के अंदर अपन जाएंगे सुमित एंटरप्राइजेस। जैसे ही आप अंदर जाएंगे लेजर के, तो यहाँ से आपको प्रेस करना है Alt-B, क्या करना है Alt-B, आपको Alt के साथ B प्रेस करना है। जैसे आप Alt-B प्रेस करेंगे तो उस पार्टी के जितने भी बिल होंगे वो यहाँ पे आपको शो करेंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे आपको क्या है, 2 बिल शो कर रहा है यहाँ पे, तो अपन
यहाँ पे वापस क्वेश्चन देखते हैं, पहले बिल की एंट्री मतलब पहले बिल का वापस पेमेंट पार्टी कब करी, 31/5/2021 को। तो अपन 31/5/2021 को यहाँ पे आपको एंटर करके जो ये पार्टी वाला बिल है यहाँ पे आपको नीचे जो एरो की है उससे जाके इस पे रहना है, और फिर आपको यहाँ पे डेट चेंज करनी है एल टैब टू से कि 1/4 से 31/5 को हमें ये वापस पेमेंट कर रहा है, तो 31/5 को हमें पेमेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये डेट डालनी है, तो डेट जैसे आप डालोगे यहाँ पे देखो पूछ रहा है ओवर ड्यू बाय डेज, तो मतलब यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, मतलब कितने भी दिन ऊपर नहीं हुए, क्योंकि पार्टी ने 1/4/2021 को हमने सेल्स किया था पार्टी को, और उसने वापस हमें पैसे कब दिए, 31/5/2021 को, मतलब 60 दिन के अंदर अंदर उसने हमें वापस पेमेंट कर दिया। तो उसका क्या है वो जो भी इंटरेस्ट है वो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या ओवर ड्यू जीरो हो रहा है, ठीक है। तो अपन इसकी एंट्री पास कर देंगे, तो आपको यहाँ पे बिल पे जाना है, जो बिल है ना यहाँ पे जाना है, यहाँ से आपको एंट्री पास करनी है। तो यहाँ से एंट्री पास करने के लिए आपको डायरेक्ट वाउचर में जाने के लिए आपको करना है Alt I प्रेस करना है। जैसे आप Alt I प्रेस करोगे तो अपन डायरेक्ट वाउचर में यहाँ पे चले जाएंगे, ठीक है। Alt A प्रेस करोगे तो वहां से आप वाउचर में नहीं आओगे। तो आपको F6 में एंट्री करनी है, 31 मई को हमें पार्टी क्या है वो पैसे दे रही है, तो 31 मई को अपन सुमित एंटरप्राइजेस कितना दे रही है, 5,000 रुपये वापिस हमें दे रही है 60 दिन के अंदर, ठीक है। अब वापिस यही चीज ओपन हुई, इसमें देखिए पहले क्या हमने न्यू रेफरेंस नया बिल था, अभी क्या है अपन क्या करें एडजस्ट रेफरेंस मतलब क्या है, पहले से ही जो पार्टी ने हमें पहले वाला बिल है उसको वापस एडजस्ट कर रहे हैं ना। तो अपन एडजस्ट रेफरेंस में जाएंगे तो यहाँ पे अपने को दो बिल दिखा रहा है कि 5,000 का है 15,000 का है, तो ये अपन एंट्री किस बिल के लिए कर रहे हैं, 5,000 वाले अमाउंट का जो बिल है उसके लिए एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ से अपन यही बिल चूज करेंगे, ठीक है। ये चूज करने के बाद आपको क्या है एंटर प्रेस करना है और DR में आपको क्या है कैश पार्टी में क्या है कैश दे रही है और कंट्रोल है प्रेस कर देंगे। जैसे आप कंट्रोल है प्रेस करोगे तो ये वापस यहीं सुमित एंटरप्राइजेस के लेजर के अंदर अपन आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए वो बिल है वो क्लियर हो गया, अभी एक बिल शो कर रहा है यहाँ पे कितना 15,000 रुपये का वो बिल है एक वो शो कर रहा है। उसके लिए अपन क्या करेंगे इसका अभी देखेंगे कि इसमें कितने दिन ऊपर हुए हैं। तो अपन पहले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन में क्या है 1/5 से लेके 31/7 मतलब 1/5 को हमने इसको माल सेल किया बेचा और 31/7 को इसने पेमेंट किया, ठीक है। तो अपन यहाँ पे वापस Alt F2 से देखेंगे कि 1/5 को हमने इसको माल सेल किया और 31/7 को इसने हमें पेमेंट किया। तो यहाँ पे ये देखिए बता रहा है ओवर ड्यू बाय डेज कितने दिन बता रहा है ऊपर कि 31 दिन ऊपर हो गए हैं पार्टी को, 31 दिन बाद क्या है पार्टी ने हमें पेमेंट किया है, ठीक है। तो अपन देखेंगे भाई 31 दिन ऊपर हुए हैं तो उसके लिए अपन क्या है इनका ब्याज कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कितना ब्याज होता है 31 दिन का। उसके लिए अपने क्या यहाँ से ही अपने क्या F8 प्रेस करना है। जैसे आप F8 प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखा ये शो करेगा 254.79 रुपये का इंटरेस्ट ये शो कर रहा है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये नीचे बता रहा है देखिए कि 1 जुलाई से 31 जुलाई का ये 31 दिन होते हैं उसका 20% की दर से 15,000 रुपये का ये ब्याज कैलकुलेट कर रहा है। कितना ब्याज हो रहा है 254.79, ठीक है, इतना ये ब्याज कैलकुलेट कर रहा है। तो इतना ब्याज क्या हमें पार्टी से लेना अभी बाकी है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ से वापस स्केप कर देंगे, हमने इंटरेस्ट देख लिया, ये इंटरेस्ट जो रेट है वो आपको याद रखनी होगी 254.79, ठीक है 254.79। फिर अपन यहाँ पे वापस इस बिल पे आएंगे और यहाँ से अपन क्या करेंगे Alt I प्रेस करेंगे और यहाँ अपन F7 में एक जनरल में एंट्री मारेंगे, जो इंटरेस्ट ड्यू है हमें लेना बाकी है उसकी अपन क्या एंट्री मारेंगे। उसके लिए अपन क्या करेंगे जनरल में सुमित एंटरप्राइजेस कितना था 254.79, ठीक है। और यहाँ पे अपने क्या है एडजस्ट नहीं करना है, यहाँ पे आपको ओन अकाउंट रखना है और 254.79 यहाँ पे आपको CR में करना इंटरेस्ट रिसीव्ड कि हमें सुमित एंटरप्राइजेस से 254.79 रुपये ब्याज के लेने बाकी। ये एंट्री भी अपने कब करनी है ये 31/7/2021 को करनी है, कब करनी है 31/7/2021 को, क्योंकि पार्टी हमें उसी दिन ब्याज समेत पैसा देगी। तो अपन क्या कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। अभी यहाँ पे क्या है दो बिल शो कर रहे हैं कि 15,254.79 वो सुमित से लेना बाकी है। तो अपन वापस एंट्री मारेंगे कि सुमित ने 15,000 रुपये दे दिए, तो अपन ये एक एंट्री मारेंगे Alt F6 सुमित एंटरप्राइजेस 15,000 रुपये। यहाँ पे अपन वापस एडजस्ट रेफरेंस से इसको चूज करेंगे और जो बिल था 15,000 रुपये वाला उसको अपन चूज करेंगे, क्योंकि देख फाइनल बैलेंस है जो 5,000 वाला वो वहाँ पे जीरो बता रहा है, लेकिन जो ये नीचे वाला बिल है दो नंबर इसमें क्या 15,000 रुपये भी बता रहा है कि इसमें मतलब एडजस्ट 15,000 रुपये करने बाकी है। तो एडजस्ट कर देंगे 15,000 रुपये, ठीक है, और इसको क्लियर कर देंगे और कंट्रोल प्रेस कर देंगे। तो
तो यहाँ से क्या है वो भी बिल क्लियर होगा। अभी यहाँ पे बस सिर्फ क्या है इंटरेस्ट शो करा है कि हमें सुमित एंटरप्राइजेस से इतना इंटरेस्ट लेना बाकी है, 254.79 है वो इंटरेस्ट के लेने बाकी है। तो यहाँ पे अपन एंटर करके बिल पे आके एल्ट आई प्रेस करके रिसिप्ट में इसकी भी एंट्री मार देंगे कि सुमित एंटरप्राइजेस से हमें 254.79 रुपये ओन अकाउंट यहाँ पे अपन रखेंगे इंटरेस्ट के लिए और कैश हमें प्राप्त हुए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। ठीक है, ये देखिए क्लियर हो गया, अभी यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सुमित एंटरप्राइजेस का अपन लेजर देखेंगे, तो यहाँ से हमने उनको दो बिल हमने मतलब दो सेल्स किए थे, एक 5,000 का एक 15,000 रुपये का। तो 5,000 में हमें 5,000 रुपये का जो बिल था उसका पेमेंट सुमित एंटरप्राइजेस ने टाइम का कर दिया, तो उससे हमने उस चीज़ पे हमने उनसे कोई ब्याज कैलकुलेट नहीं किया, ब्याज नहीं लिया, इंटरेस्ट नहीं लिया। जो 15,000 वाला बिल था उस पर हमने यहाँ पे ब्याज कैलकुलेट किया 254.79, क्योंकि सुमित एंटरप्राइजेस ने हमें 60 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया, उसने 31 दिन ऊपर ले लिए, उसके ब्याज हमने उसका ब्याज हुआ 254 वो कैलकुलेट करके और एंट्री ऐसे पास कर दी। ठीक है, तो ये होता है बिल वाइज डिटेल। अगर पार्टी कोई है वो टाइम पे पैसा नहीं देती है तो उससे अपन ब्याज के लिए ब्याज है वो कैलकुलेट करते हैं, तो इसी तरीके से ब्याज कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको इस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए तो मैं आपको और वीडियो देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और दूसरों के साथ हमारा चैनल शेयर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।